क्योंकि जब हमारे पप्पू भाई, पप्पू जैसे, पप्पू भैया जैसे भैया बैठे हैं, तो इनाम भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे भाई याद करा देते हैं। आइए बड़े भैया, समय को पर ध्यान ना देकर गीत पर ध्यान दीजिएगा। अगले चक्र में हेलो, बिल्कुल गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बेटे, क्षमा कीजिएगा, भोजपुर वालों ने गाया है। ये देखो कहना है कि तू लगावे लो जब लिपस्टिक सबकी फेवरेट धुन है, संभो लिपस्टिक लगा ले, तू लगा लू जब लिपस्टिक ही ले लो यारा दृष्टि, जब लगा लू तू लिपस्टिक ही ले लो यारा दृष्टि, जिला टॉप लागे, जिला टॉप लागे कमरिया कमरिया तोरे ना पालो लाली पापे कमरिया, तोरे ना पालो लाली पापे कमरिया, तोरे ना पालो लाली पापे लो। जब लगावे तू लिपस्टिक तोरे ला पालो ये। ये तो भोजपुर वालों ने गाया है, लेकिन कहना, लेकिन कहना क्या बात है बेटा, सुनिए सुने कटपीस बिल्कुल साधारण है। समूह भैया जी, पप्पू भैया जी, आप भी सुनिए, तमाम भाई हमारे सुन रहे हैं गीत को, बहुत बहुत धन्यवाद है नमन मेरी ओर से जो आप इतनी तन्मयता से सुन रहे हैं। कहना क्या बोले, एक बार होता क्या है, भगवान श्री राम का अवतार हो गया, पंचवटी में निवास हो गया, उधर एक लीला नचने लगे प्रभु श्री राम। जय हो। अब देखिए, एक सुंदर सी नारी आती है, सुंदर सा रूप बनाकर प्रभु श्री राम से कहने लगती है, जिसका नाम है सुरपणखा, और इस बात की पुष्टि मानस ने भी की है। सुनिए सुनिए, क्या तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कहा प्रभु, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसी कोई नारी नहीं है। ब्यूटीफुल, ताते अब लग रहा हूं कवारी, मुझको अपने अनुरूप कोई वर नहीं दिखा। ना बेटे, ताते अब लग रहा हूं कवारी, तुम मन माना कछु तुम ही निहारी। अब कुछ लगता है कि मेरे मन का वर मिल गया है, तो प्रभु श्री राम बड़े सोचने लगे मन में, तो कहा सुंदरी हे देवी, सीतहि चितहि कहहि प्रभु बाता, अहाई कुमार मोर लघु ब्राता। हे
ये देवी मेरा विवाह हो चुका है, लेकिन सीट खाली है, जाइए। मेरा भाई अभी कंवारा है, मेरी पत्नी मेरे साथ है। देवी तो देखिए, प्रभु श्री राम ने जब लक्ष्मण जी के तरफ भेज दिया सूर्पणखा को, उधर लक्ष्मण जी ने भी कह दिया कि देवी अभी आप मेरे भाई से बातचीत कर रही थी, मैं तो उनका सेवक हूँ, कहाँ आप स्वामिनी बनते बनते दासी बनने जा रही हैं। अगर मुझसे विवाह होगा तो आप दासी कहलाएंगी। बिल्कुल बेटे। तो फिर राम के पास आती हूँ, फिर लक्ष्मण के पास जाती है। क्या बात है? तो देखिए, आकाश मार्ग से देख रहे सारे देवता आपस में बात करने लगे, ये प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं, ये सूर्पणखा इधर जाती है उधर जाती है। तो देखिए, देवताओं के गुरु ने समझाया कि ये प्रभु की लीला है, केवल इस ऑडियो वीडियो को देखिए। तो हुआ क्या? क्या बताया? कहा कि रघुवर संकेत करेंगे, परेशान मत हो, परेशान नहीं होना। जब भगवान श्री राम का इशारा होगा तो होगा क्या? रघुवर संकेत करेंगे तब एक से एक मिलेंगे, तब एक से एक मिलेंगे दोनों ग्यारह होई, एक से एक ग्यारह, दोनों ग्यारह, दोनों ग्यारह होइला। तो कहना रघुवर संकेत करेंगे तब एक से एक मिलेंगे दोनों ग्यारह होई, दोनों ग्यारह होई। तो लक्ष्मण लक्ष्मण तो लक्ष्मण कटी है यही की ना, तो नौ दो ग्यारह जाऊंगी। एक पे एक से एक ग्यारह हो इला, देखिए नौ दो ग्यारह और दो नौ ग्यारह, एक मुहावरा फिट है, नौ दो ग्यारह दो नौ ग्यारह, दोनों का योग ग्यारह है ना। रघुवर संकेत करेंगे तब एक से एक मिलेंगे दोनों ग्यारह हो, दोनों ग्यारह होइला। तो लक्ष्मण कटी है यही की ना, तो नौ दो के पास पहुंची, खरदूषण त्रिश्रा के पास पहुंची, कहा भैया धिक्कार है तुम्हारे पुरुषार्थ को, तुम्हारे होते हुए मेरी है दुर्दशा। कहा बहन ये किसने की है? तो देखिए वो बताने लगी सूर्पणखा कि हमारे ही वन क्षेत्र में। तो हुआ क्या? देखिए किस प्रकार बता रहे हैं। दो पुरुष लखन रघुराई, we'll be right back.
लखा घुराई जिनके नाम है तो कहना क्या? तो पुरुष लखन रघुराई तो संग में एक नारी सुहाई, तो पुरुष लखन रघुराई तो संग में एक नारी सुहाई, तो एक तीन होई तो एक तीन हुई जाई, तो तीन तो एक तीन हुई जाई, तो जब हम कहा बहना चिंता ना कर, जब हम संग्राम करेंगे तो जब हम तो जब हम तो जब हम करी है अति संग्राम, एक दो तीन हुई जाए, दोनों का अर्थ है भाग जाना। जहो। ये रहा मेरी ओर से एक छोटा सा टुकड़ा। अब पुनः हमारे शमानी भैया शंभू भैया आ रहे हैं, वो हम चल रहे हैं अपने कुशल साथियों के साथ। आइए भैया, स्वागत है आपका। बहुत सुंदर चक्र भी आप सुन रहे थे। शमानिया नीलम विश्वकर्मा जी के द्वारा बहुत बढ़िया। नीलम जी बहुत अच्छा प्रयास किया है आपने, क्योंकि सफलता नहीं मिलती तो लोग प्रयास बदल देते हैं। मुराद पूरी नहीं होती तो लोग विश्वास बदल देते हैं। मैं पानी से नहाने वालों की बात नहीं करता, जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। नीलम जी आपने एक बात कही, आपने हमसे कहा कि शंभु भैया आप को मालूम नहीं है भगवान राम तो घर में ही थे। बिटिया बहुत छोटी हो तुम, बहुत छोटी हो, बहुत बहुत छुटकऊ हो समझो। अरे हमसे कह रही हो, हमने जो कहा वो अपने आप में पत्थर की लकीर होता है आप जानती हो, इसलिए हमसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न किया करो। घर अलग है और ग्राम अलग है। अगर वो घर में थे तो फिर अब कहां जा रहे हैं? वो थे घर में बिटिया रानी, लेकिन घर में नहीं, वो नगर में थे, अब घर में गए हैं। जैसे हमारा गांव सा है, मान लीजिए किसी कारणवश हमारे पिताजी ने हमको निकाल दिया तो घर तो है हमारा, लेकिन हम पप्पू भैया के द्वारे ढाड़न नवाबगंज में, ये है बस मामला। वो टेंट में बैठे हुए हैं, घर में नहीं थे, अब घर में गए हैं। फिर आपने दिखाया कि शंभू भैया उनका मंदिर बनने जा रहा है 21 में। बिटिया रानी अच्छी बात है। राजा भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे फिर बैठो, अरे पानी आ जाइए, आनंद वाली बात आई तो चल दिए। राजा भैया आप ये गड़बड़ कर देते हो, पहले आप ऐसे थे नहीं। चलिए आइए, बहुत बढ़िया। नीलम जी आपने कहा है लेकिन राम मंदिर बना कब? इसकी नींव उसी 5 अगस्त 2020 में पड़ी। फिर अब वो तो धीरे धीरे जब मकान का निर्माण होता है तो बड़ा लंबा चलता है। अब वो 22 में भी चला जाए तो आप 22 को भी ठोंक दो कि 22 भी पावन है, लेकिन तिथि जो 5 अगस्त है वो दोबारा नहीं आएगी। आइए चलाऊं
बढ़िया आपने प्रयोग किया। एक बात और कही कि शंभू भैया 999 आप गिना रहे थे, ये हमें गणित लगी। वो आपको गणित लग रही होगी लेकिन बिटिया वो सही है, उनके 999 फन तो बचे, 98 थोड़ी बचे, इसलिए मैंने 999 कहा। बाकी आपने जो उत्तर दिया है मैं आपसे क्या कहूँ, सम्माननीय परम पूज परम श्रद्धेय दादा श्री लालचंद दीक्षित जी आपके साथ बैठे हैं, आपके गुरु जी कलमकार हैं, रचनाकार हैं और हमारे आदर्श हैं। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन गीत ठीक है, ना कहूं ठीक है, कुछ कहूंगा नहीं। गीत का प्रयोग ये है कि शेषनाग जी के फन के द्वारा मेघनाथ का प्रादुर्भाव और पुनः शेषनाग जी के फन में समाहित, अपने अंश को अपने में मिला लिया, यानी गीत जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर खत्म हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, नीलम जी आपने जो भी प्रयास किया है ढेरों शुभकामनाएं हैं, आपका मंडल माता रानी करे कि आगे बढ़ें आप और यूं ही उन्नति करती रहें, लेकिन जो तर्क संगत बात है वो करना पड़ेगा। आइए जब स्टेज के बगल में बैठा जाता है, इतने अच्छे व्यक्ति हो आप लोग, इतने महान व्यक्ति हो आप लोग, इतने महीन व्यक्ति हो आप लोग, इतने बेहतरीन व्यक्ति हो आप लोग, फिर भी बातचीत कर रहे हो। आइए चल रहा हूं, सुनिए, प्रयास कर रहा हूं। बहुत सुंदर सा टुकड़ा गाया है आपने, भोजपुर वालों ने गाया और कहा, अरे वो लगा ले लू जब लिपस्टिक, वो लगावे लू जब लिपस्टिक, झूमे ना आरा डिस्टिक, जिला टाप लागे लो, जिला टाप लागे लो, कमरिया कमरिया कारे लपालप। ए मास्टर देखो क्या लिखने वाले, क्या बेमतलब की बात लिख रहे हैं, कमरिया करे लपालप तो वहां लाली पाप लागे। खैर उनका विषय है, हम इसमें नहीं जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं गाने का, कमर और लाली पाप क्या बेमतलब की बात, खैर कोई बात नहीं, ये फिल्मी कलाकारों का है। आइए बढ़िया प्रयोग आपने दिखाया है नीलम जी, शायद आपकी बात बन जाए। भगवान राम नहीं, अब दोस्त तो किसी किसी का होएगा ही, क्योंकि कोई ना कोई तो है ही है दोषी, लेकिन कोई बात नहीं, जो संतोषी है वो सुने। चलाओ सुनिएगा पप्पू भैया, अरे श्री राम ने धनु हाथ तोड़ा, प्रमुख जी प्रमुख जी, अरे भैया रामू भाई, अरे बैठे रहो आप, आज तभी खड़े होना जब चुनाव का समय आए, अभी आप कहना है, अरे श्री राम ने धनु हाथ तोड़ा, ओ चुड़ा सिया राम का जोड़ा, एक एक ग्यारह हो गए, एक पे एक ग्यारह हो गए, तोड़ ना सके धनुष राजा, वो नौ दो ग्यारह हो गए, वो नौ दो साहस दस एक ही बारा, और लगे उठावन टरई ना डारा, तोड़ ना सके धनुष राजा, वो नौ दो ग्यारह हो गए, वो नौ दो ग्यारह।
पंक्तियों पर ये 21 रुपए का इसने आया है, बहुत बहुत शादवाद है। दूसरी पंक्ति सुनिएगा, कहीं शेष न बचे टुकड़ा कठिन है, लेकिन लाने का प्रयास कर रहा है संबोल चल, सुनिएगा। कि चले बन को राम रघुराई, तापस वेश विशेष उदासी, ये है ज्ञानियों की बात। तापस वेश विशेष उदासी, तो 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश, यहां तीन लोगों का प्रयोग है, जबकि वनगमन भगवान राम का ही है, इसलिए मुझे ये टुकड़ा जोड़ना पड़ा। इस चौपाई में तीन लोग हैं, तापस वेश विशेष उदासी और फिर 14 वर्ष राम वनवासी। तो प्रयोग देखिए संबोल चला रहा है, कि चले बन को राम रघुराई और संग लक्ष्मण सीता माई, तो 1 2 3 हो बहुत सही, 1 2 3 हो गए मान कर माता की आज्ञा, बन के लिए मान कर माता की आज्ञा, 1 2 3 इस चक्र में पंक्तियां गाई हैं आपने, और ये 21 रुपए का इसने बड़े भाई परम श्रद्धे पप्पू तिवारी जी आपकी ओर से आया है, साधुवाद है।